इस समय हम खड़े हैं वसई के यूनिटी मॉल में, जिसे पहले दत्तानी मॉल कहा जाता था। वहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से पुलिस का पूरा लवाजमा है और क्या कुछ मामला है। इसकी आपको जानकारी देते हुए बता दूं कि पुलिस कंट्रोल रूम में आज एक कॉल आया था कि इस यूनिटी मॉल के अंदर जो मॉल है उसमें थिएटर के अंदर जो मैडम चीफ मिनिस्टर करके जो फिल्म लगी हुई है उस फिल्म के प्रदर्शन के दौरान बम ब्लास्ट होने वाला है। किसी ने फोन कॉल करके ये जानकारी कंट्रोल रूम में दी, तब कंट्रोल रूम से तुरंत ही वसई पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया। उसी बंदोबस्त के तहत वसई पुलिस स्टेशन की टीम यहां बंदोबस्त में लगी है और छानबीन में लगी हुई है। हालांकि काफी समय से ये छानबीन चल रही है और अब छानबीन के अंत में यही चीज सामने आ रही है कि जो कॉल था वो पूरी तरह से फर्जी था, इस तरह से कोई बम रखा नहीं गया था। अभी अभी हमने बात की सीनियर पीआई करपे साहब से, उन्होंने इस मामले को पुष्टि करते हुए बताया कि कॉल आया था लेकिन वो कॉल फॉल्स कॉल था और पुलिस को ऐसा कुछ मिला नहीं है। अब ऐसे मामले में कोई सर फिरे लोग जो है इस तरह से कॉल करते हैं और सरकार को, सरकारी तंत्र को परेशान करते हैं, उनकी मनोदशा का क्या कहा जाए। एक तरफ जहां समय की बर्बादी होती है प्रशासन की, वहीं दूसरी तरफ पूरा का पूरा मैन पावर डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन इस तरह से कॉल करने वाले जो लोग हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वसई से यूसुफ अली। आज मामला डीजी कंट्रोल से हमको फोन है कि ये हमारे ज्यूरिडिक्शन है वसई पुलिस स्टेशन के अंदर दत्तानी मॉल है, इसके अंदर जो मिराज थिएटर है उसमें बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तो तुरंत एक कॉल मिलने के बाद मैं खुद और मेरा पुलिस ऑफिसर स्टाफ सब इधर आया, तुरंत BDDS को कॉल किया, फायर ब्रिगेड बुलाया, SRP आया, मेरे सुपीरियर ACP सर DCP सर आया। उसके बाद अभी कंटिन्यू BDDS का जांच शुरू है, अभी तक तो ऐसा कुछ हमको मिला नहीं जिसको बोलते बेवरस चीज़ या बैग, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन डॉग और उसका जो इक्विपमेंट है BDDS का वो सब वो चेक कर रहे हैं। पॉपुलरिटी स्टंट ऐसा बोल सकते हैं कि आप कितने बजे कॉल आया? अभी तो पूरा कंप्लीट चेकिंग होना है, उसके बाद हम बोल सकते हैं, नहीं उनके बाद बताएंगे। सर कितनी पुलिस चेकिंग करने में है अभी? अभी BDDS का 10 स्टाफ आए, उसके साथ डॉग आए, उसका जो इक्विपमेंट रहता है एक्सरे बाकी सब है, चालू है चेकिंग। कितने देर से चेकिंग चालू है सर? 3 बजे से शुरू है चेकिंग। कितने बजे कॉल आया था सर? डीजी कंट्रोल को इंफॉर्मेशन मिली थी ऐसा, उसके बाद डीजी कंट्रोल ने हमको फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा थिएटर आपके ज्यूरेशन में आता है क्या, उधर ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन है, उधर बम ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।